लेट्स कंटिन्यू द पेरिफेरल नर्व इंजरीज। सो इसमें हम क्लॉ हैंड के बारे में देखने वाले थे। क्लॉ हैंड को मैन इन ग्रेफे भी बोलते हैं। एंड सॉरी, ये पेन टेस्ट का डायग्राम था लास्ट वीडियो का जो हमने नहीं देखा था। तो क्लॉ हैंड का डेफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट डेफिनेशन है इसका, सेकेंड कॉज है, थर्ड टाइप से, ये तीन हेडिंग्स है इसकी। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होता है इसका? क्लॉ हैंड मीन्स हाइपर एक्सटेंशन होता है मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स पे, एंड प्लस फ्लेक्शन होगा प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स पे। तो ये फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो गया मेटाकार्पो फैलेंजियल में एंड फ्लेक्शन हो गया इंटरफैलेंजियल पे। देन सेकेंड कॉज क्या होता है इसका? ल्यूम्ब्रिकल्स का पैरालिसिस होता है जो कि फ्लेक्स करती है मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स को प्लस एक्सटेंड करती है इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स को। एंड ये क्लॉ हैंड ज़्यादा मार्क्ड होता है लो अलर नर्व पाल्सी में, क्योंकि फ्लेक्चर्स जो होते हैं प्रोफंडस एंड सुपरफिशियलिस वो भी पैरालाइज हो जाते हैं। देन इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो एक तो टू फिंगर क्लॉइंग हो सकती है जो कि अलर नर्व पाल्सी के केस में होती है, एंड सेकेंड ऑल फोर फिंगर्स क्लॉइंग हो सकती है जो कि अलर एंड मीडियल नर्व पाल्सी में होते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सिलरी नर्व इंजरी। तो इसके हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देख रहे हैं? फर्स्ट कॉजेस है इसके, देन सेकेंड इसके टेस्ट है, थर्ड साइंस ऑफ रीजेनरेशन है, फोर्थ इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज है, देन फिफ्थ है इसका ट्रीटमेंट। तो ये फाइव हेडिंग्स रहेंगी। तो एक्सिलरी नर्व इंजरी के कॉजेस क्या हो सकते हैं? जो कोई भी पेरिफेरल नर्व इंजरी के कॉज हो सकता है, फर्स्ट डिस्प्लेस्ड बोन फ्रैगमेंट्स के कारण हो सकता है वो इंजरी अगर हुई है इन द फॉर्म ऑफ दैट इंजरी, उसके साथ नर्व की भी इंजरी हो गई हो, ऐसा हो सकता है। सेकंड थिकर नर्व हो सकती है लेप्रेसी के कारण जो होता है यूजुअली। देन थर्ड मेडिकल कॉज को ही हो सकता है, न्यूरोपैथी या माइलोपैथी। देन फोर्थ ओल्ड एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, तो कहीं पे भी इंजरी लगी हो तो। देन सेकेंड टेस्ट कैसे किया जाता है एक्सिलरी नर्व इंजरी के? डेल्टॉइड के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सर्जन स्टेबलाइज कर देता है स्कैपुला को एक हाथ से, जबकि दूसरा हाथ वो रखता है डेल्टॉइड पे ताकि वो उसके कॉन्ट्रैक्शन को फील कर सके। अब पेशेंट को बोला जाता है कि वो अपने शोल्डर को अबडक्ट करे, उठाए, और अगर वो शोल्डर को उठा नहीं पा रहा है और एब्सेंस है डेल्टॉइड का, मतलब टॉट नहीं हो रही है, डेल्टॉइड टॉट होती हुई हमको अगर फील नहीं हो रही है तो ये इंडिकेट करता है डेल्टॉइड पैरालिसिस। नाउ थर्ड इज साइंस ऑफ रीजनरेशन। तो इसके तीन साइंस हो सकते हैं, फर्स्ट टिनल साइन, सेकेंड मोटर एग्जामिनेशन, थर्ड इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट। तो टिनल साइन में क्या है कि जेंटली अगर हम टैप करते हैं नर्व को अलॉन्ग इट्स कोर्स, तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल जब हम टैप करते हैं तो एक पिंस एंड नेडल सेंसेशन फील होता है जहाँ उस स्किन में जो कि सप्लाई की गई है नर्व के द्वारा। तो डिस्टल प्रोग्रेशन हो रहा है अगर उस लेवल का जिस पे वो ऑकर हो रही है, तो ये सजेस्ट करता है कि वो रीजनरेट हो रही है। देन सेकेंड मोटर एग्जामिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि मसल जो सप्लाई होती है नियरेस्ट जो कि इंजरी के साइड के होती है वो सबसे पहले रिकवर होती है, तो इसको क्लिनिकली नोटिस किया जाता है उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से। तो मसल्स जो ज़्यादा डिस्टल एरिया में है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि वो रीइनोवेट होंगी वन आफ्टर अनदर, मोटर मार्च एक जिसको बोल सकते हैं। तो ये फिनोमिना एब्सेंट होता है न्यूरोप्लेक्सिया में जहाँ सारी मसल्स एक साथ रिकवर होती है। देन थर्ड है इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये हेल्प कर सकता है नर्व रिकवरी को प्रिडिक्ट करने में, क्लिनिकली वो अपेरेंट हो उससे पहले ये प्रिडिक्ट कर सकता है। देन फोर्थ इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज है, तो डायग्नोसिस के लिए है ये फोर्थ हेडिंग। नाउ इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोमाइग्राफी, सेकेंड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है, थर्ड नर्व कंडक्शन स्टडीज है। तो ये तीन हेडिंग्स हैं इसमें डायग्नोसिस में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का ये डायग्राम दिया है, नॉर्मल मसल जो है रेस्ट पे ऐसा डायग्राम शो करती है, लिटिल एक्टिविटी होती है तो ऐसा दिखता है, देन फुल एक्टिविटी में ये पैटर्न दिखता है। डिनर्वेटेड मसल में डिनर्वेशन पोटेंशियल मिलता है, एंड मायोपैथी में ऐसा मिलता है जो लास्ट वाला डायग्राम है।
देन फर्स्ट नॉर्मल मसल का है, तो नॉर्मल मसल जो रेस्ट पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं करती है एंड इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में, जो इम्पल्सेस से नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स साइमल्टेनियसली फायर करते हैं वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो ये होता है। नाउ डिनर्वेटेड मसल का भी हमने अगेन देखा था डायग्राम, तो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करती है रेस्ट पे वो, तो इसको डिनर्वेशन पोटेंशियल्स बोलते हैं। और ये मसल डिनर्वेशन है अराउंड 15 to 20 days आफ्टर इंजरी होता है। अगर ये पोटेंशियल्स सेकेंड वीक में भी अपियर नहीं हुए आफ्टर नर्व इंजरी तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक साइन होता है। नाउ थर्ड, इलेक्ट्रोमायोग्राफी यूजफुल कैसे होता है, डिसाइड करने में यूजफुल होता है कि फर्स्ट तो नर्व इंजरी प्रेजेंट है या नहीं, सेकेंड नर्व इंजरी कंप्लीट या है या फिर इनकम्प्लीट है, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर एक ग्रुप ऑफ मसल्स जो सप्लाई कर रहे हैं नर्व वो शो नहीं कर रहा है साइंस ऑफ डिनर्वेशन, तो ये प्रिजर्व नर्व सप्लाई को इंडिकेट करती है। तो देन है थर्ड कि कोई रिजनरेशन ऑकर हो रहा है या नहीं, उसके साइंस भी हमको मिल सकते हैं। देन फोर्थ, लेवल ऑफ नर्व इंजरी मिलता है हमको, तो बाय परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोमायोग्राफी सारी मसल्स जो सप्लाई हो रही है एक नर्व से हम डिसाइड कर सकते हैं लेवल ऑफ नर्व इंजरी। देन सेकेंड, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है, तो इससे भी डायग्नोसिस हो सकता है। फर्स्ट इसमें रियो बेस है, सेकेंड क्रोनैक्सी है, थर्ड इंटरप्रिटेशन है। तो रियो बेस क्या होता है, ये मिनिमल करेंट स्ट्रेंथ होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को एलिसिट करने के लिए ज़रूरी होता है एंड मिली एम्पियर्स में इसको मेजर करते हैं। सेकेंड क्रोनैक्सी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ करेंट होता है जो मसल को एक्साइट करने के लिए ज़रूरी होता है, और एक करेंट स्ट्रेंथ ऑफ डबल द रियो बेस होता है और ये मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। देन थर्ड इंटरप्रिटेशन है, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कितने का होता है, सेकेंड डिनोवेटेड मसल, थर्ड पार्शियली डिनोवेटेड मसल, फोर्थ रिकवरिंग असेसमेंट पर स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व देखते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है वो रिस्पॉन्ड करता है वेरिंग स्टेमलाई के ऊपर, जो ड्यूरेशन में वेरी कर रहा है 300 milliseconds से लेकर 3 or even 1 milliseconds में, और करंट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं अगर हम स्ट्रेंथ में तो भी वो रिस्पॉन्ड करता है। देन सेकेंड डिनोवेटेड मसल जो है उसको करंट या तो ज़्यादा स्ट्रेंथ का चाहिए होता है या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन का, तो इसको मसल कर्व बोलते हैं, इस कर्व इससे जो कर्व ऑप्टेन होता है। देन थर्ड है पार्शली डिनोवेटेड मसल, तो ये नॉर्मल और कर्व ऑफ डिनोवेशन के बीच में आता है। नाउ फोर्थ रिकवरी असेसमेंट है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व से, तो सीरियल एग्जामिनेशन पे ये फ्लैटर हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पे। देन थर्ड नर्व कंडक्शन स्टडीज़ है, तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में क्या है, ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व देखते हैं पहले। तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है ए वाला शो कर रहा है नर्व के कर्व को, देन बी वाला शो कर रहा है मसल कर्व को, एंड सी वाला शो कर रहा है पार्शियल डिनर्वेशन को, एंड ये स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन। नाउ नर्व कंडक्शन स्टडीज में फर्स्ट स्टडी आया वेदर नर्व इंजरी इज प्रेजेंट एंड वेदर कंप्लीट और पार्शियल, एंड थर्ड कंप्रेशन लेजर, तो ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। तो नर्व कंडक्शन स्टडीज वो पता करती है कि नॉर्मल जो कंडक्शन वेलोसिटी है ना इम्पल्स की बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ नर्व वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम उससे। एंड नॉर्मल कंडक्शन वेलोसिटी मोटर नर्व की 70 meters per second होती है, तो इससे क्या क्या पता चलता है कि नर्व इंजरी प्रेजेंट है या नहीं, तो अगर प्रेजेंट होगी तो कोई कंडक्शन नहीं होगा इम्पल्स का। सेकेंड ये पता चलता है कंप्लीट है या पार्शियल नर्व इंजरीज है, तो कोई भी ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स अगर एब्सेंट है तो सस्पेक्टेड साइट में, तो ये इंडिकेट करता है कंप्लीट नर्व इंजरी को। देन थर्ड कंप्लीट कंप्रेसिव लेजर पता चलता है, तो कंडक्शन वेलोसिटी डिले हो सकती है कंप्रेसिव नर्व लेजर्स में, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम। देन फिफ्थ है रही है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट एक तो कंजर्वेटिव हो सकता है, दूसरा ऑपरेटिव हो सकता है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या आता है, फर्स्ट स्प्लिटेज ऑफ पैरलिज्ड लिम्ब आता है, सेकेंड प्रिजर्व जॉइंट मोबिलिटी, थर्ड केयर ऑफ स्किन एंड नेल्स, फोर्थ फिजियोथेरेपी, एंड फिफ्थ रिलीफ ऑफ पेन। तो फर्स्ट पैरलाइज्ड लिम्ब का स्प्लिटेज किया जाता है,
स्प्लिंट्स जो कॉमन नर्व इंजरीज के लिए यूज़ किया जाते हैं वो है टेबल्स 10.6 में। इसमें एक्सिलरी नर्व या डेल्टोइड पैरालिसिस के लिए एरोप्लेन स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। देन रेडियल नर्व पाल्सी के लिए जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स से पैरालाइज्ड होते हैं उसके लिए कॉकअप स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। देन अर्नल नर्व पाल्सी के लिए जिसमें ल्यूब्रिकल्स का पैरालिसिस होता है उसमें नकल बेंडर स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। एंड शियाटिक नर्व पाल्सी या कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी के लिए फुट ड्रॉप स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड प्रिजर्व जॉइंट मोबिलिटी है, तो जॉइंट मोबिलिटी को फुल रेंज ऑफ मूवमेंट एटलीस्ट कराना होता है वंस एवरी डे पेशेंट को। देन थर्ड केयर ऑफ स्किन एंड नेल्स है, तो स्किन एंड नेल्स को प्रोटेक्ट करता होता है ट्रामा से एंड नेल्स को क्लीन करना होता है कट करना होता है विथ केयर। देन फोर्थ फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी मसाज दी जाती है पैसिव एक्सरसाइजेस की कराई जाती है लिम्ब की एंड ये सब कराया जाता है पार्शली अफेक्टेड मसल्स को डेवलप करते हैं। नाउ फिफ्थ है रिलीफ ऑफ पेन, तो रिलीफ ऑफ पेन में एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। नाउ उसके बाद है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, तो इसमें फर्स्ट नर्व रिपेयर आएगा, देन सेकेंड आएगा न्यूरोलिसिस एंड थर्ड कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो फर्स्ट नर्व रिपेयर है तो ये तो प्राइमरी रिपेयर हो सकता है, दूसरा सेकेंडरी रिपेयर हो सकता है एंड थर्ड टैक्स ऑफ नर्व रिपेयर है। तो फर्स्ट प्राइमरी रिपेयर जो है जब नर्व एक शार्प ऑब्जेक्ट से कट कर दी जाती है कट हो जाती है तो उस केस में किया जाता है। इसमें वुंड को डिब्राइड करते हैं और दोनों नर्व सेंट को अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं एक या टू फाइन सिल्क सूजर्स से जिससे कि कट एंड्स का रिट्रैक्शन ना हो। एंड दो हफ्ते बाद जब वुंड हील हो जाता है तो डेफिनेटिव रिपेयर भी कर देते हैं। देन सेकेंडरी रिपेयर है तो इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट नर्व लिजन्स जब किन किन कंडीशंस में किया जाता है, नर्व लेजन्स जब प्रेजेंटिंग हो सम टाइम आफ्टर इंजरी, सेकेंड सिंड्रोम ऑफ इनकम्प्लीट इंटरप्शन, थर्ड सिंड्रोम ऑफ इरिटेशन, फोर्थ फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो नर्व लेजन्स फर्स्ट टाइम प्रेजेंटिंग सम टाइम आफ्टर इंजरी, तो पूरा जनरल कंडीशन होती है अगर पेशेंट की, तो एट द टाइम ऑफ इंजरी हो सकता है नर्व इंजरी मिस्ड हो जाए तो उस केस में रहते हैं। सेकेंड इनकम्प्लीट इंटरप्शन के सिंड्रोम में दैट इज अगर कोई डेफिनेटिव इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ 6 वीक्स में, तो देन थर्ड सिंड्रोम ऑफ इरिटेशन में, तो नर्व इरिटेशन के अगर केसेस है तो उस केस में। देन फोर्थ फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर हो गया तो कोई ट्रीटमेंट यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ अगर विद इन 3 वीक्स तो फिर इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज करते हैं और फिर नर्व एक्सप्लोरेशन करते हैं। एंड टेक्निक्स ऑफ नर्व रिपेयर क्या होती है, तो एक तो नर्व सूचर होता है, देन दूसरा होता है न्यूरोलिसिस एंड थर्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सॉरी फर्स्ट नर्व सूचर होता है एंड सेकेंड नर्व ग्राफ्टिंग होता है। तो नर्व सूचर की जो टेक्निक्स होती है वो एपीन्यूरल सूचर होती है, दूसरा पेरीन्यूरल सूचर होता है, थर्ड पेरीन्यूरल सूचर होता है एंड फोर्थ ग्रुप फेसिकुलर रिपेयर होता है। तो फर्स्ट एपी न्यूरल सूचर जो है इसका डायग्राम ए में है, डायग्राम ए में, देन एपी पेरी न्यूरल सूचर जो है वो बी वाला शो कर रहा है, देन सी वाला शो कर रहा है एपी पेरी न्यूरल एंड डी वाला जो डायग्राम है वो नर्व ग्राफ्टिंग को शो कर रहा है। तो सेकेंड इसकी टेक्निक नर्व ग्राफ्टिंग होती है। तो नर्व ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक जो नर्व गैप मोर देन 10 सेंटीमीटर रहता है तब ये यूज़ किया जाता है और इसमें एक एक्सपेंडेबल नर्व को डाल दिया जाता है दो एंड्स के बीच में ओरिजिनल नर्व की। नाउ जो नेक्स्ट टेक्निक है वो न्यूरोलाइसिस है, नर्व रिपेयर के बाद ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में सेकेंड न्यूरोलाइसिस है। तो इसमें एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस या सेकेंड इंटरनल न्यूरोलाइसिस हो सकता है। एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस जो है पेरीन्यूरल फाइब्रोसिस के केस में किया जाता है, मतलब एनवेलपिंग स्कार्स से इसको फ्री किया जाता है नर्व को। देन इंटरनल न्यूरोलाइसिस में क्या किया जाता है कि इसको इंट्रा न्यूरल फाइब्रोसिस के केस में किया जाता है, मतलब जो नर्व शीथ है ना वो डिसेक्ट हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनली डिसेक्ट की जा सकती है ताकि फाइब्रस टिश्यू जो है ना विद इन द नर्व उससे उसका प्रेशर को रिलीव कर दिया जाए। एंड थर्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, तो आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इंजरी यूजली ये किया जाता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में।
तो इस ग्रुप में टेंडन ट्रांसफर, आर्थ्रोडेसिस, ये सब इंक्लूड होते हैं, मसल ट्रांसफर। नर्व लास्ट है डिसीजन मेकिंग इन नर्व इंजरीज। तो फाइनली हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका, तो ये फ्लो चार्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी है, तो नर्व अगर इंजियर हुई उसके बाद नेचर ऑफ लेशन हमको नोन है अगर, तो या तो नोन हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, तो यस एंड नो दो ऑप्शंस हैं। तो अगर नेचर ऑफ लेशन नोन नहीं है तो हमको इलेक्ट्रिकल स्टडीज करनी है। देन अगर नोन है तो क्या है उस कंडीशन में, नर्व कंटिन्यूटी हो सकती है या तो नर्व नॉट इन कंटिन्यूटी हो सकती है। तो नर्व अगर कंटिन्यूटी में नहीं है तो हम उसको रिपेयर करते हैं और फिर वेट करते हैं उसको री इनोवेशन के लिए, री इनोवेट जब तक नहीं हो जाती। एंड अगर नर्व कंटिन्यूटी में है तो फिर 3 वीक्स तक वेट करते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं एक्टिविटी के रिटर्न होने का। तो उसके बाद फिर या तो रिकवरी होगी या तो फिर रिकवरी नहीं होगी। तो रिकवरी अगर होती है तो फिर हम उसको फॉलोअप करते हैं 1 to 3 months के लिए, एंड फिर प्रोग्रेसिव रिकवरी होती है तो उसके बाद फुल रिकवरी हो जाती है। अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो फिर इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ करते हैं। देन अगर कोई रिकवरी नहीं होती है तो फिर इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी में अगर FIDS दैट इज़ फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स मिलते हैं, PSW दैट इज़ पॉजिटिव शार्प वेव्स मिलती है, और VMP दैट इज़ वॉलेंट्री मोटर पोटेंशियल्स अगर नहीं मिलते हैं, और NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में कोई मोटर एंड सेंसरी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में अगर कोई मोटर एंड सेंसरी कर्व नहीं आता है तो फिर एक्सप्लोर एंड सर्जिकली रिपेयर करते हैं। देन सेकेंड, अगर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स आते हैं एंड पॉजिटिव शार्प वेव्स आ रही है एंड नंबर ऑफ वॉलेंट्री मोटर पोटेंशियल्स भी आ रहे हैं, तो फिर फर्दर रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड थर्ड, अगर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में कोई भी फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स नहीं आ रहे हैं या पॉजिटिव शार्प वेव्स भी नहीं है एंड वॉलेंट्री मोटर पोटेंशियल्स भी एब्सेंट है, एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में मोटर एंड सेंसरी कंडक्शन अबव एंड बिलो द ब्लॉक जो है वो नॉर्मल है, तो फिर हम फुल रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। एंड फोर्थ, अगर इलेक्ट्रोमायोग्राफी में कोई भी FIVS नहीं है, दैट इज़ फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स नहीं है एंड पॉजिटिव शार्प वेव्स नहीं है एंड वॉलेंट्री मोटर पोटेंशियल्स भी नहीं है जब तक कि पेशेंट को टिकल किया जाए, तो एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी नॉर्मल है, तो फिर पेशेंट नॉर्मल होता है तो कोई भी नर्व इंजरी नहीं हुई रहती है। देन नेक्स्ट इसका प्रोग्नोसिस है, तो प्रोग्नोसिस में 6 सेटिंग्स है। फर्स्ट एज है, सेकेंड टेंशन एट सूचर लाइन है, थर्ड टाइम सिंस इंजरी, फोर्थ लोकेशन ऑफ इंजरी, फिफ्थ टाइप ऑफ नर्व, सिक्स्थ कंडीशन ऑफ नर्व एंड्स एंड सेवन्थ एसोसिएटेड कंडीशंस। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एज जितनी लोअर रहेगी उतना बेटर प्रोग्नोसिस होता है। सेकेंड टेंशन एट सूचर लाइन, जो जितना ज़्यादा टेंशन होता है तो उतना प्रोग्नोसिस पुअर होगा। इन थर्ड टाइम सिंस इंजरी है, तो आफ्टर 18 मंथ्स सिर्फ सेंसरी फंक्शंस ही एक्सपेक्ट किया जाता है। देन फोर्थ लोकेशन ऑफ इंजरी है, तो जितना प्रॉक्सिमल होगी इंजरी उतना वर्स प्रोग्नोसिस आएगा। देन फिफ्थ टाइप ऑफ नर्व है, तो अगर प्राइमरीली मोटर नर्व है जैसे कि रेडियल नर्व, तो उसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है एक मिक्स्ड नर्व के कंपेरिजन में। देन सिक्स्थ कंडीशन ऑफ नर्व एंड्स है, तो जितना ज़्यादा क्रशिंग और इन्फेक्शन होगा उतना पुअर प्रोग्नोसिस होगा। देन सेवन्थ है एसोसिएटेड कंडीशंस, तो इन्फेक्शन, इस्चीमिया, ये सब इंडिकेट करते हैं पुअर प्रोग्नोसिस को। सी पेरिफेरल नर्व इंजरीज के बारे में था।